जम्मू कश्मीर में विशेष पुलिस अधिकारियों के आवाज के लिए हमेशा लड़ने वाले ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के पूर्व अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पूर्व ट्रेड यूनियन के लीडर सेवा सिंह बाली ने आम आदमी का दामन थाम लिया है। पार्टी में शामिल होने के बाद सेवा सिंह बाली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 18,000 के करीब सैलरी लेते हैं और टाइमली उनको मिलती है, और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 6-7 हज़ार रुपया उनको सैलरी दी जाती है, और वो भी 8-8, 9-9, 10-10 महीने तक उनको नहीं मिलती, और वो लोग वहाँ पर सुसाइड करते हैं जो हमारे बेल्ट फोर्स में यानी एसपीओ की नौकरी करते हैं। उनके लिए मुझे 2 बार सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए हमें आम आदमी पार्टी के बैनर तले उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम आने वाले वक्त में संघर्ष करेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर हैं, जो आज 1,14,000 डेली वेजर का मतलब होता है 1,14,000 परिवार, उनको सड़कों पे रखा है, उनको सैलरी टाइमली नहीं मिलती, वो सुसाइड तक कर रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो आशा वर्कर, यहाँ से तो बड़े बड़े नारे होते हैं कि हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, सोशल वर्कर हैं, वो सड़कों पर हैं, मगर वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं। जम्मू कश्मीर की आवाम अपने आप को लावारस समझती है, और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर के कोने कोने में झंडा ले जाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक और इंसाफ से जो पिछले 70 साल से वहाँ के राजनेताओं ने महरूम रखा है, उनको हक और इंसाफ देने के लिए, उनके घर तक पहुँचाने के लिए आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिन रात काम करेगा, और उन लोगों को इंसाफ दिलाएगा जो पिछले 70 साल से नाइंसाफी उनके साथ हुई है। आने वाले वक्त में हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले पूरे जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक जगाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग जितने सेकुलर हैं उतने ही पूरे देश के लोग सेकुलर हैं। सेवा सिंह बाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, और साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में आप पार्टी के समर्थक भी मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप मित्तल ने क्या कुछ कहा। अपने दिल्ली से भी कई सारे लोगों को अपनी पार्टी से शामिल करना, क्या कहेंगे, किस उम्मीद के साथ लोग पार्टी के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं सेवा सिंह बाली जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप अपनी पार्टी में आए हैं। आज अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, वहाँ पर जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर लोग त्रस्त हैं, और वहाँ के लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो हालात हैं हमने देखे हैं 2 महीने के अंदर, वहाँ पर हज़ारों लोग पार्टी के साथ रोज ज्वाइन कर रहे हैं, और आज हमारे राजीव जैन जी जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट थे वार्ड 18 से रोहिणी विधानसभा से, तो उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो जो परिवार है हमारा और भी तीन दूसरी राजनीति। सेवा सिंह बाली के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि राज्य के एसपीओ की वास्तविक मांगों का पूरा समर्थन करेंगे, जो नौकरशाहों और राजनेताओं के हाथों समान रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।